अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आई एम फसिया कैसर, मैनेजर ट्रेनिंग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ स्किल सेट्स की ज़रूरत है। वी नीड टू डिवेलप आर स्किल्स और वो द स्किल्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल सेलिंग आर नोन एज सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी हर सेल्स कॉल को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं एंड हाउ वी कुड अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम विच इज़ डेफिनेटली अ प्रिस्क्रिप्शन, और वो प्रिस्क्रिप्शन फिर सेल्स में कन्वर्ट होती है। सेलिंग स्किल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री फेजेस। द फर्स्ट फेज इज प्री कॉल प्लानिंग, द सेकेंड फेज इज सेल्स कॉल एंड द थर्ड फेज इज पोस्ट कॉल रिव्यू। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हर फेज में कौन से स्टेप्स आते हैं। एज सेलिंग स्किल्स कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स, जो कि अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो आपकी हर कॉल प्रोडक्टिव कॉल होगी। सबसे पहले हम प्री कॉल प्लानिंग में बात करते हैं। प्री कॉल प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। आपने अक्सर सुना हुआ ही होगा और आप वो स्टेप्स इंप्लीमेंट करते भी होंगे। द नंबर वन इज प्रोस्पेक्टिंग एंड द सेकेंड वन इज प्रेपरेशन। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि आप अपनी असाइन टेरिटरी में डॉक्टर के पोटेंशियल को इवेल्युएट करते हैं। पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि डॉक्टर के पास उस डिजीज कैटेगरी के पेशेंट्स आ रहे हों जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट एज ए सोल्यूशन रोल प्ले कर सकती है। फिर आप बेस्ट डे टू विजिट, बेस्ट टाइम टू विजिट पता लगाते हैं और उसकी बुनियाद पे आप अपना मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान डेवलप कर लेते हैं। अब जब आपने ये तमाम तर प्लानिंग कर ली है तो फिर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप हर कॉल का एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लें और वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हो कि आपने डॉक्टर के साथ कौन सी कंडीशन को डिस्कस करना है, किस इंडिकेशन पर ज़्यादा बात करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की तवज्जो हासिल हो सके। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है प्रेपरेशन। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द टाइम जो आपको डॉक्टर के पास मिलता है, और प्रेपरेशन में मेंटली भी प्रिपेयर होना है एंड आपने अपनी ग्रूमिंग पे भी पूरी तवज्जो देनी। मेंटली प्रिपेयर होने का क्या मतलब है कि आप अपने जहन में अपनी एक सेल्स कॉल को आप कह लें कि अल्फाज का चुनाव कर लें, बेहतर तरीका अडॉप्ट सोच लें कि आपने किस तरीके से अपनी कॉल को शुरू करना है और किस तरीके से डॉक्टर से कमिटमेंट लेनी है। तो आप अपने आप को एक मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल और आपकी क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू सेल योर सेल्फ टू सेल द प्रोडक्ट। जब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, यानी आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर चुके हैं, आपने प्रिपरेशन भी कर ली, तो आप सेकेंड फेज ऑफ सेलिंग प्रोसेस में एंटर होते हैं विच इज सेल्स कॉल। सेल्स कॉल के 4 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल ओपनिंग, द सेकेंड इज प्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग कस्टमर रिस्पॉन्सेज, द लास्ट वन इज क्लोजिंग। कॉल ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि कॉल ओपनिंग वो पहला जुमला है जो डॉक्टर के साथ आपने इस अंदाज में बोलना है कि डॉक्टर की मुकम्मल तवज्जो आप हासिल कर सकें। यू नीड टू गेट कंप्लीट अटेंशन सो दैट कि डॉक्टर में लिसन टू वट एवर यू से, और जब डॉक्टर आपकी बात तवज्जो से सुनता है तो डेफिनेटली आपको उसे कन्विंस करने का ज़्यादा बेहतर मौका मिल जाता है। कॉल ओपनिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन पार्ट पर आते हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट में आप डॉक्टर के साथ प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स और एडवांटेजेस शेयर करें, बेशक आप सिर्फ एक ही बेनिफिट शेयर कर रहे हों लेकिन वो इतने अच्छे अंदाज में शेयर करें कि डॉक्टर आपकी बात को सुन के आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस हो और आपकी प्रोडक्ट उसको एज ए सोल्यूशन नज़र आ रही। इस दौरान डॉक्टर्स हो सकता है कि आपके साथ कोई सवाल करे, क्वेश्चनिंग करे, इसको हम डॉक्टर रिस्पॉन्स कहते हैं, और डॉक्टर रिस्पॉन्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू नीड टू एक्नॉलेज द डॉक्टर रिस्पॉन्स और डॉक्टर के रिस्पॉन्स को एड्रेस करें इन अ बेटर वे। आप उसको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करके आएँ, उसका जो भी सवाल है उसका वहाँ पर उसको मुनासिब जवाब दें ताकि उसके जहन में कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे और वो आपसे और आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई।
आफ्टर डूइंग ऑल दिस थ्री स्टेप्स फाइनल पार्ट ऑफ सेल्स कॉल आता है विच इज क्लोजिंग. क्लोजिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो गेनिंग कमिटमेंट और टेकिंग कमिटमेंट है. आप डॉक्टर से कमिटमेंट लेते हैं कि वो आने वाले पेशेंट्स में आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करेगा, और अगर डॉक्टर इस बात से एग्री कर जाता है तो दिस इज व्हाट यू आर देयर फॉर, कि आपको प्रिस्क्रिप्शन मिले, सेल्स जनरेट हों और आपकी सेल्स इंक्रीज हो. क्लोजिंग करने के बाद जब आप डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो लास्ट पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है विच इज पोस्ट कॉल एनालिसिस. यानी अपने आपने अपनी कॉल को रिव्यू करना है कि कॉल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या किसी भी वजह से कॉल ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं हो सका. आप थोड़ी देर के लिए अगर अपनी कॉल को रिव्यू करते हैं तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आप अपनी नेक्स्ट कॉल को इम्प्रूव कर लेते हैं बाय ओवरकमिंग एनी वीकनेसेस और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और आपकी हर कॉल अगली कॉल से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी. सो बाय इम्प्लीमेंटिंग द सीक्वेंस ऑफ दीज 7 स्टेप्स, प्रॉस्पेक्टिंग, प्रेपरेशन, कॉल ओपनिंग, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग कस्टमर रिस्पॉन्सेज, क्लोजिंग एंड पोस्ट कॉल एनालिसिस, यू कैन डिवेलप सेलिंग स्किल्स एंड यू कैन पॉलिश सेलिंग स्किल्स टू इम्प्रूव योर एवरी नेक्स्ट सेल्स कॉल. इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.